प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का फाइनल मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच खेला गया। इस कड़े मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 32-29 से हराया। इसी के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स सीजन 9 की चैंपियन बनी। ये दूसरा मौका है जब जयपुर पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग की चैंपियन बनी। इससे पहले जयपुर की टीम ने सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया था। वहीं दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन फाइनल में पहली बार इस खिताब को जीतने से चूक गई। तो ये नजर डालते हैं मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में खेले गए आज के इस फाइनल मुकाबले पर। मुकाबले की शुरुआत में दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। 12वें मिनट के खेल तक दोनों ही टीमों का स्कोर 7-7 अंकों से बराबरी पर रहा, लेकिन इसके बाद अगले ही मिनट में पुणे की टीम ने शानदार डिफेंस दिखाते हुए 10-8 से बढ़त हासिल की। 18वें मिनट में जयपुर ने एक बार फिर 10-10 अंकों से स्कोर की बराबरी की, लेकिन पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले जयपुर ने बढ़त हासिल की। इस तरह पहला हाफ 14-12 से जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम रहा। दूसरे हाफ में जयपुर ने जबरदस्त खेल दिखाया और शुरुआत में ही पुणे को ऑल आउट कर अपनी बढ़त 18-13 की। 24वें मिनट में आकाश को सुपर टैकल करने के बाद जयपुर की टीम की बढ़त 20-17 पर पहुंची। इस बीच अभिनेश नादराजन और मोहम्मद नबी बख्श ने अपनी टीम के लिए शानदार खेल दिखाया, लेकिन जयपुर का डिफेंस पुणे के मुकाबले कई बेहतर नजर आया। 30 मिनट के खेल तक 21-25 के स्कोर के साथ पुणे की टीम इस मैच में पिछड़ती हुई नजर आई। 38वें मिनट तक 29-25 के स्कोर के साथ जयपुर ने बढ़त बनाए रखी, जिसके बाद जयपुर की टीम ने पुणे को आखिरी मिनटों में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। इस तरह फुल टाइम तक 33-29 के फाइनल स्कोर के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स ने यह मुकाबला अपने नाम किया। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन देशवाल, सुनील कुमार और अजीत ने 6-6 अंक बटोरे, जबकि पुनेरी पल्टन के लिए आकाश शिंदे, मोहम्मद नबी बख्श और अभिनेश नादराजन ने 4-4 अंक हासिल किया।